जिम वाले से शुरुआत काफी चालाक था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यही कहूंगी कि अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वही बाजू में घंटी बनी है उसे भी दबा दें। रुकिए, कहानी शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे और ये नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ तो मुझे फॉलो कर लो, लिंक नीचे दी हुई है। सार के स्टोरी लवर भी टाइप करके आप मुझे ढूंढ सकते हैं। चलो अब कहानी शुरू करती हूँ। शाजिया शेख ने लिखा है ये कहानी। हाय, मेरा नाम शाजिया शेख है। मेरी उम्र अभी 26 साल की है। मेरी अरेंज मैरिज हुई है। मैं इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि मुझे हैंडसम हस्बैंड चाहिए था, पर वो नहीं मिल पाया। मुझे अपने ससुराल में घर के काफ़ी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं। घर से बाहर अकेले जाना मना था। मेरे ससुराल वाले काफ़ी सख्त नियमों वाले लोग हैं। वे मुझे जॉब भी नहीं करने देते हैं, हालांकि मैं ग्रेजुएट हूँ। मेरे शौहर जो हैं वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं। उनकी तनख्वाह कम पड़ती है, फिर भी उसी में गुजारा करना पड़ता है। मैं घर पे बैठे बैठे काफ़ी बोर हो जाती थी। फिर पड़ोस में मेरी एक सहेली बनी, उसका नाम शाहीन, पतला हुआ नाम था। यह काफ़ी अच्छी सहेलियाँ बन गई। उसने मुझे एसआर के स्टोरी लवर के बारे में बताया। मुझे इस वेबसाइट पे काफ़ी स्टोरी सुनने को मिली और पढ़ने को मिली, जिन्हें मैंने एक एक करके मज़ा लेते हुए पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे शौहर काम में बिजी होने के कारण मेरे साथ थोड़ा कम ही टाइम स्पेंड करते थे। बारिश का मौसम था, मेरा प्यासा कुआं काफ़ी वक्त तक खाली बना रहा। इस भरने मेरे शौहर महीने में 2-3 बार ही अंदर आते। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एक अच्छे घर से हूं, तो मेरे मन में आने वाले ख्याल मुझे पागल बना रहे थे, मगर मैं करती भी क्या। जब मैंने अपनी सहेली शाहीन को ये बताया तो वो हंसने लगी। उसने मुझे इस बात का सल्यूशन बता दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। आगे आपको स्टोरी में सब मालूम चलता जाएगा। उसकी बात को सुनकर मेरे मन में भी ये बात जम गई। चूंकि मैं जब भी बाहर जाती थी बुरका पहनकर निकलती थी, इसलिए मेरी आंखों के अलावा कुछ नहीं देख सकता था। इस कहानी में आगे पढ़ने से पहले मैं आपको भी कुछ अपने बारे में बता देती हूँ। मैं बहुत अच्छी और खूबसूरत हूँ और थोड़ी बहुत चालाक भी, समझ सकते हो आप। हमारे पड़ोस में विक्की, बदला हुआ नाम, का लड़का रहता था। वो मुझे काफ़ी पसंद था। और मैं बता दूं कि मेरे एक और कहानी है जिसका नाम है जिम वाले लड़के से प्यार, और मैं भी उसको काफ़ी पसंद थी क्योंकि वो काफ़ी बार मुझे देखता रहता था। उसका एक जिम था, उसमें कसरत करने कई सारे लड़के आते थे। उसकी ये जगह हमारे घर के ठीक सामने ही थी। उसकी कसरती क्लास सुबह 4 बजे से शुरू होती थी और 11 बजे तक चलती थी। वो खुद भी काफ़ी कसरत करता रहता था। इसी तरह शाम को 5 बजे से रात के 11 बजे तक उसकी क्लास चालू रहती थी। वो सुबह सुबह और शाम को पीने का पानी लेने हमारे घर आता था, क्योंकि हमारा घर सामने ही था और वो मेरे शौहर का दोस्त भी बन गया था। एक बार पानी देते समय मैंने उसको वो वाली स्माइल दे दी। वो काफ़ी चालाक था, तुरंत समझ गया, और अगले चक्कर में ही उसने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर इशारों में ले लिया। मेरे पास मोबाइल नहीं था, इसलिए एक पेपर पर मैंने अपना ईमेल पता दे दिया। फिर हमारी बातें ईमेल के जरिए होने लगी। विक्की दिखने में काफ़ी हैंडसम था। वो 22 साल की उम्र का रहा होगा। बॉडी बिल्डर था, लंबा था, पर कलर में सांवला था। उसके सांवले रंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तो बस उसकी बॉडी पे फिदा थी। नेट चैटिंग करते करते एक दिन उसने कह दिया, अब इंतज़ार नहीं होता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं उसको काफ़ी दिनों तक रुकवा रही थी, हमारी काफ़ी मजबूरी थी। आखिरकार हम दोनों की चाहत ने बाजी जीत ली। एक दिन हमें मौका मिला ही गया। मेरे शौहर तो ज़्यादातर टाइम हमेशा बाहर ही रहते हैं, पर एक दिन बाहर गाँव में रिश्तेदार की शादी थी, इसलिए घर में से ससुर और देवर तीनों चले गए। मैंने बीमारी का बहाना किया और नहीं गई। मुझे अकेली नहीं रहने देना चाहती थी, इसलिए देवर रुक रहे थे, पर मैंने कह दिया कि आज शाम को ही उनके भैया यानी मेरे शौहर आने वाले हैं, इसलिए मैं अकेली नहीं रहूंगी, वो रहेंगे घर में। मेरे शौहर शाम को आने वाले थे, लेकिन
इन सब के जाने के बाद उनका कॉल आया कि उन्हें टाइम लगेगा और वो दूसरे दिन दोपहर में आएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में अच्छा मौका मिल चुका था। मैंने दोपहर से ही विकी को ईमेल कर दिया, पर उसने काफी देर बाद चेक किया, तब शाम के 6 बज रहे थे। वो भी काफी खुश हुआ। फिर हमने प्लान बनाया। मैं उसे घर में नहीं बुलवा सकती थी, क्योंकि अगर कोई जल्दी आ गया या फिर पड़ोस में किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो सकती थी। वो भी इस बात पर मान गया कि घर के अंदर नहीं आएगा। प्लान ये बना कि शाम 10 बजे ही वो जिम से सबको निकाल देगा और मैं गली में सबकी नजरों से बचते बचाकर उसके जिम में आ जाऊंगी। हमारा घर और जिम गली में सबसे लास्ट में है। उसके जिम काफी बड़ी जगह में है। रात में वो 10 बजे से मेरा इंतजार करने लगा। उसने जिम की लाइटें ऑफ कर रखी थी, जिससे लगे कि जिम बंद हो गया है। मौका देखकर मैं रात के करीब 11:30 बजे बुर्का पहन के जिम में चली गई। अब गई मतलब गई, मैं तो गई सोचने वाले सब सोच लेते हैं कैसे गई और कहाँ गई। आप सभी जान गए होंगे, वैसे मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे तो लाइसेंस मिला हुआ है, समझ गए ना। उसने कहा, शरद कहाँ हो, बाहर आ जाओ। मैं हैरान रह गई। एक और लड़का था जो जिम में रुका हुआ था, शरद भी उसका ही दोस्त था, वो भी गली में ही रहता था, मुझे जानता भी था। मैंने विकी से कहा, ये तुमने गलत किया विकी, प्लीज ऐसा मत होने दो। पर विकी ने कहा, वो मेरा जिगरी यार है, हम दोनों को जो भी मिलता है मिलकर खाते हैं। साथ ही उसने मुझे गारंटी भी दी। करीब 4 बजे अपने घर के अंदर आ गई, फिर सो गई। दूसरे दिन दोपहर में शौहर आ गए, वे थके थे सो खा पी कर सो गए। बस फिर इसका अगला पार्ट समझ लो कि जिम वाले लड़के से प्यार वाली वीडियो है मेरी वीडियो लिस्ट में, देख लेना आप सभी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताएं। आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहीं बाजू में घंटी है उसे भी दबा दें। एक काम करिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ, आप मुझे एसआर के स्टोरी लवर से भी सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं लाइव भी आती हूँ तो आप मुझसे लाइव चैट भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले पार्ट में, तब तक आप मेरा इंतजार करिए और मेरी दूसरी वीडियोस देखिए। चलिए बाय।